जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अभी हम आपके लिए जो लेके आए हैं होंडा सिटी, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है होंडा की तरफ से। और ये गाड़ी जो जून के अंदर जो सबसे मोस्ट सोल्ड गाड़ी है वो होंडा की सिटी ही है। तो इसका हम ओवरव्यू लेके आए हैं। ओबियसली गाड़ी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, तो ये गाड़ी एज इट है, सेम ही है। थोड़ा सा इसका आप एक साइड प्रोफाइल इसकी थोड़ी सी दे दें बात कर। अच्छा, होंडा सिटी जो है ये 5 वेरिएंट के अंदर अवेलेबल है, जिसमें 1.2 लीटर की है विद सीवीटी और मैनुअल ट्रांसमिशन, और जो है 1.5 एस सीवीटी और एएस मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन। जो इनके अंदर जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है मिल जाएंगे, लेकिन इसकी जो ओवरऑल साइड प्रोफाइल है वो आपके सामने चल रही है। ये आपका है इसका, ये आपके सामने इसके साइड प्रोफाइल है, अलॉय व्हील्स के साथ है। वो भी अलॉय व्हील्स के साथ जो है वो आपकी जो है ना 1.5 एएस मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी है। अभी ये अंदर से देखना पड़ेगा कि बेसिकली ये कौन सी है। ये इसकी फ्रंट प्रोफाइल है, सिटी मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है कि ये बड़ी खामोश गाड़ी फील होती है, क्योंकि जो बाकी गाड़ियां होती हैं वो जब ओबियसली चलती हैं तो उनके एक अलग एक साउंड होती है, लेकिन जो सिटी की एक क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लगती है वो यही लगती है कि ये गाड़ी बड़ी जिसे कहते हैं काम होती है, एक बड़ी पुरसकून गाड़ी होती है। और ये यू नो आई सेड, अगर आपको इसको पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली इसको डिफ़ाइन करो तो आप कह सकते हैं कि ये डिफ़ाइन करती है जो प्रोफेशनल किस्म के लोग होते हैं वो इसको ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। जो बाकी गाड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी स्पोर्टिव में आ जाती हैं, लेकिन ये जो सिटी गाड़ी है ये आपकी प्रोफेशनलिज्म को ज़्यादा डिफ़ाइन करती है। बात कर जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम ये इस गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। ये आपके सामने इसकी इंटीरियर प्रोफाइल है। ये स्टेयरिंग व्हील ओबियसली क्योंकि हाई एंड वेरियंट है, तो ये स्टेयरिंग व्हील के अंदर आपके इसके सारे कंट्रोल हैं। ये आपके जो कंट्रोल्स हैं इसके वॉल्यूम कंट्रोल हैं, ठीक है। ये आपके क्रूज़ के भी इसमें कंट्रोल हैं, और ये आपकी जो वेरिएंट है, अपर वेरिएंट है, उसके अंदर जो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन आती है वो आपकी आती है 9 इंच की स्क्रीन, और जो आपका लोअर वेरिएंट है उसके अंदर आपकी 7 इंच की जो है ना टच स्क्रीन आती है। और इसके अंदर आपकी जो टच स्क्रीन है इसके अंदर आपका नेविगेशन भी होता है। और ये जो हाई एंड वेरिएंट है इसका ऑटो इंजन स्टार्ट और स्टॉप का बटन भी है, जो कि ओबियसली लो वेरिएंट के अंदर नहीं है। और ये इसकी इंटीरियर प्रोफाइल है, ये आपके बाकी इसकी है। ये इकोन है ओबियसली कि इकोन मूड के अंदर जो गाड़ी होती है वो आपकी ज़्यादा अच्छी फ्यूल इकोनॉमी देती है। और ये आपके एयर वेंट्स हैं, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो आपको थोड़ा क्लियर क्लोजली दिखाता हूँ। ये जो राइट साइड पे है ये ओबियसली आपका डिजिटल क्लस्टर है, और ये जो बाकी हैं वो आपके मैनुअल हैं। और ये आपकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, हाई एंड वेरिएंट जो सा है 1.5 एएस सीवीटी। ये आपके डोर पैनल्स हैं, इनर डोर पैनल्स, और ओबियसली ऑटोमेटिक विंडोज़ हैं, ऑटोमेटिक डोर लॉक्स हैं। ओबियसली क्योंकि हाई एंड वेरिएंट है इसमें हर चीज़ ऑटोमेटिक ही है, तो कुछ जो बाकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको विद द टाइम आपके साथ ऑन द वेबसाइट आपको सारे डिफाइन है, कंप्लीट डिटेल्स आपको रेयर के अंदर दिखाते हैं। इसकी जो सीटिंग एरिया है वो कैसा है, उसके अंदर आपकी लेग रूम कैसी है वो भी आपको सारा डिफाइन कर देते हैं। ये मैं बैठ चुका हूँ, मेरी हाइट है 5.8 इंच, तो ओबियसली ये 6 फीट तक के जो लोग हैं उस पर बड़े कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो कहा यह जाता है कि जो होंडा की है यारिस, उसकी जो सीटिंग के जो पीछे लेग रूम है वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी उसको देखने के बाद ही पता उसको देखेंगे ओबियसली उसका ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर देखा जाए तो दिस इज़ नॉट बैड। ये बड़ी अच्छा इसका जो सा लेग रूम है। ये आपके रेयर इवेंट्स भी हैं, ये जो सी है आपकी जो सी है हाई एंड जो ट्रिम है सिर्फ उसी के अंदर है, ये लोअर ट्रिम के अंदर आपका रेयर इवेंट्स नहीं आते। ये आपकी कम्फर्टेबल है, ये आपका आर्म रेस्ट है विद 2 कप होल्डर्स ऑन द रेयर, और बाकी 3 यूज़र्स बल्कि 4 तक अगर कहा जाए, क्योंकि ओबियसली अगर कुछ फ्रेंड्स के साथ निकलते हैं तो 3 से 4 यूज़र्स बड़े कंफर्टेबली आपके रेयर साइड पे बैठ सकते हैं विद द इनफ लेग रूम। और ये आपका चार्जिंग आउटलेट भी है रेयर साइड पे, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका चार्जिंग आउटलेट है रेयर साइड पे। ये अभी वेट कीजिएगा, ये आपका चार्जिंग आउटलेट है जहाँ पे ओबियसली आप 2 मोबाइल इजीली चार्ज कर सकते हैं।
अभी आपको इसकी थोड़ी सी फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बता देते हैं। इसकी जो फ्रंट है वो आपकी हेडलाइट्स हैं, प्रीमियम ड्यूल बैरल हैलोजन हेडलाइट विद इंटीग्रेटेड एलईडी, और ये तमाम वेरिएंट्स के अंदर जो सा है ना वो स्टैंडर्ड है। और जो लोअर वेरिएंट्स हैं इनके अंदर जो आपके फ्रंट फोक लेंथ्स हैं वो ऑप्शनल है, जबकि जो हायर एंड वेरियंट है उसके अंदर ये आपके स्टैंडर्ड है। ये आपकी गाड़ी की ट्रंक स्पेस है जो कि ऑब्वियसली इनफ है। इन्होंने इसके अंदर कुछ बैग वगैरह भी रखे हुए हैं, आपको देख सकते हैं कि इनफ ट्रंक स्पेस है। ये अंदर तक आपका तकरीबन 2 से 3 4 राउंड अबाउट आपका बैग बड़े इजीली आ सकते हैं। और आपने इसकी लेग रूम भी देख ली है, वो भी आपकी बहुत बेहतरीन है। और जो इसकी रेयर लाइट्स हैं वो आपकी सामने हैं, इसकी बड़ी अच्छी लुक है। सियाज को ही इन्होंने जो सा है समझ लें कि आपको थोड़ा अपग्रेड करके थोड़ा फेसलिफ्ट करके आपको दे दिया है, लेकिन ऑब्वियसली वो सियाज वाले सारे फीचर इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये होंडा सिटी अपने आप को एक अलग डिफाइन करती है। और ये आपका हेड रेयर माउंट लैंप है, ये आपकी इसके सामने रेयर प्रोफाइल है, रेयर आपकी एलईडी लाइट्स हैं इसकी, और ये ओवरऑल आपकी जो होंडा सिटी है। मैं अभी आपको इसका फ्रंट इंजन भी आपको दिखा देते हैं। ये आपकी है 1.5 लीटर AS ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का इंजन है ये होंडा का। ये आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये एक इसके अंदर अच्छी बैटरी लगी हुई है जो अराउंड अबाउट 60 वोल्ट की बैटरी है। और ये आपके सामने इसका बाकी इंजन है। और बिल्ड क्वालिटी आप देखें तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे अच्छी फील हो रही है। आई डोंट नो कि जो ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है या ये आपकी इंपोर्टेड है, अभी इस यूनिट के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लग रही है। मे बी दिस इज़ द रीज़न कि लोगों ने इसको परचेज करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये आपकी जो हाई एंड वेरिएंट है ये की लेस एंट्री के साथ है, इसकी जो एंट्री है वो की लेस, ऑब्वियसली आप इसको सिर्फ टच करेंगे तो आपकी गाड़ी ओपन हो जाएगी, उसके लिए आपको की ज़रूरत नहीं होगी। तो ओवरऑल इसकी अच्छी प्रोफाइल है। ये आपकी होंडा सिटी है 1.5 लीटर SCVT मॉडल।